गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई, ये क्लास 10 की मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी। इसके पहले चार क्वेश्चन हुए हैं और जो भी क्लासेस हुई है, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा ऐप, इसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन, और साथ में हम ये जो पढ़ाते हैं आपको, ये प्रिंट आउट भी आपको वहां पे, प्रिंट आउट का मतलब कि ये हमारी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो यहाँ पे ये बंटन चार्ट जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, बंटन सारणी जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई गई है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया है? तो भाई, माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं, मतलब तीन फॉर्मूले होते हैं। किस कोई भी मेथड लगाओ, हमारा आंसर आ जाना है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा लगाते हो। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ होता है, इसमें माध्य जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसमें माध्य जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मेथड लगाने वाले हैं, कौन सा लगाने वाले हैं? हम दूसरा वाला लगाने वाले हैं, कल्पित वाला। ठीक है, कल्पित वाला सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, पहला वाला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो हमें, मतलब ये रैंक जो है वो काफी बड़ी है, और यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं पेटियों की संख्या के, ये भी काफी बड़े हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। पहला वाला हम नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला विधि जो है उसको अपनाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और चीज पे। अगर आपने ध्यान दी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं ध्यान दी है तो हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चंस पे चलते हैं, उसके लिए हमें पिछले क्वेश्चंस पे चलना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें रेंज जो दी गई है 500 से 520, फिर इसमें 520 से 540, फिर इसमें 540 से 560, कुछ इस तरीके से दी गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो ये है 11 से 13, ठीक है, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, कुछ इस तरीके से दी गई है। ठीक है, हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ये 11 से 13 चला, फिर ये 13 से ही स्टार्ट हुआ, 15 तक चला, ये 15 से ही स्टार्ट। ये हमारे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं, जैसे 65 से 68 चला, 68 पे खत्म, फिर दूसरा वाला 68 से ही स्टार्ट हुआ, 71 पे खत्म, अगला वाला जो है 71 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट पे खत्म। ठीक है, पर इसमें हम ये क्या देख रहे हैं, ये 50 से 52 तक चला। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह ये 52 से स्टार्ट ना होकर 53 से 55 चल रहा है, फिर 56 से 58 चल रहा है। मतलब यहाँ पे एक का अंतर हमको दिख रहा है बाकी सारे क्वेश्चंस के हिसाब से। अब एक का अंतर दिख रहा है, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो हायर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, इसके बीच का अंतर जो है वो कितना है? इनके बीच का अंतर एक का है ना, 52 से 53 हो रहा है, तो इनके बीच का अंतर कितने का है? एक का अंतर है। ठीक है, अब हमें जो सारणी बनानी पड़ेगी वो कुछ सोच समझ के ही बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी तक जो सारणी बनाई थी, हमें उसी टाइप की ही सारणी बनानी पड़ेगी, जिसमें जैसे कि पहले वाले ब्लॉक में जहां से शुरू होता है वहीं से फिर, मतलब नेक्स्ट पे खत्म, दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा जो नेक्स्ट से खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा था। अब इसको करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो हमारा प्रोसेस क्या होगा जरा देख लीजिए। हमारा ये प्रोसेस होगा, जैसे इनके बीच का अंतर कितना है, ठीक है, इनके बीच का अंतर जो है हम यहाँ पे अगर देखते हैं 53 - 52, अंतर की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंतर। ठीक है, अंतर आया एक का। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए एक का अंतर है, जितने का भी अंतर आता है उसको हमें 2 से भाग करना पड़ता है। हमने 2 से भाग किया तो 1/2 मतलब 0.5 के बराबर आ गया। 1/2 को अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अब ये 0.5 आया है, ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या थी, 50 और 52 की थी। हमारी नई रेंज, जो रेंज तैयार होगी वो क्या होगी, इस 50 में से हमें 0.5 को माइनस करना है और इसमें 0.5 को प्लस करना है, ठीक है। तो हमारी नई रेंज क्या बन के तैयार हो जाएगी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 49.5 और यहाँ पे क्या आएगा, 52.5, ठीक है, ये हमारी नई रेंज तैयार हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमें सबके साथ करना है, जैसे कि इसके इसके बीच का भी अंतर एक है, इसके भी बीच का अंतर एक है, ठीक है, सबके बीच का अंतर जो है वो हमारा एक दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सबको निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है, सब में हम पहली वाली जो लिमिट होती है, जो लोअर लिमिट होती है, उसमें से हम 0.5 घटाएंगे, जो हायर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी सॉरी नई सारणी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये सारणी जो है ऑलरेडी हमने तैयार करके रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एफ की वैल्यूज भी हमने यहाँ पे रख ली है। अब हमें एक्स निकालना है, तो अब हम एक्स निकालेंगे, तो एक्स कैसे निकलेगा, जो हमारी हायर लिमिट है और लोअर लिमिट है इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी हायर लिमिट है 52.5, लोअर लिमिट है 59.5, इनको ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 एक हासिल हुआ हमारा, और 9 2 11 1 12 एक हासिल, 5 4 9 1 10 102 हुआ। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हर एक एक्स निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई, 49.5 के बाद क्या आएगा, 49.5 के बाद हमारा आएगा 50, ठीक है, 50 के बाद आएगा हमारा 51, 51 के बाद में हमारा 52, 52 के बाद में 49.5। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि 49.5 है, ठीक है, फिर हमारा इसके बाद में है 52.5, ठीक है। अब हमारा 49 के बाद में क्या आएगा, हमारा ये आएगा हमारा 50.5, फिर हमारा आएगा 51.5, यही आएगा ना इनके बीच में, अगर 0.5 वाला लेते हैं तो, ठीक है। अगर इनके बीच में दो चीजें हैं तो हमें बीच का ज्ञान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी बीच का हमें निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच का हमें कैसे निकलेगा, इसके 50.5 के बाद हमने क्या जोड़ा, 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 51 हो जाएगा, 51 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा 51 आ जाएगा, वही 51 हमारा यहाँ पे, मतलब सीधा सीधा यही है, ये 49 है, ये 52, ठीक है। 49 को हम मानेंगे 50 और 52 को मानेंगे हम क्या, ठीक है, 49 को मानो 50 और 52 को मानो क्या, 52, ठीक है। तो 50 और 52 के बीच में हमारा क्या आएगा, 51, ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसे समझ, ऐसे ही ये हमारा क्या है, 52.5 जो है इसको हम क्या मानेंगे, ठीक है, 52.5 को हम मानेंगे 53, ठीक है, इसको मानेंगे 53 और इसको मानेंगे 55, और 53 में के बाद हमारा आता है 54, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 54, इसको मानेंगे हम 56, ठीक है। ये कुछ लॉजिक है, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप लॉजिक हमारे अंदर आते रहते हैं, मतलब आप एक एक सॉल्व इस तरीके से करोगे ना, काफी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम आपको एक लॉजिक, ये सब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे 56, 56 के बाद आता है 57, ठीक है, ऐसे ही इसको मानेंगे हम 59, 59 के बाद आता है हमारा 60, ठीक है, इसको मानेंगे हम 62, 62 के बाद आता है हमारा 63। अब एक एक चीज आप निकालने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीछे आपके पेपर में, आपके एग्जाम्स में, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर देते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में पड़ेगा रहे तो सारा टाइम चला जाएगा, तो इससे बेटर है कि थोड़ा लॉजिक आपको खुद से भी लगाना पड़ेगा। अब आती है बात डी की, डी हमारा कैसे निकलता है, ठीक है, ये तो हमने निकाला एक्स, अब बात आती है डी, डी के लिए एक्स माइनस ए, अब ए की वैल्यू हम कहाँ से लाए, तो ए जो है कोई भी आप मान सकते हो अपनी मर्जी से, अगर आपके पास विषम संख्या में कोई चीज है तो बीच वाली मान लो, सम संख्या में कोई चीज है तो या तो ऊपर दो छोड़ दो,
ठीक है, ऊपर कुछ छोड़ दो, नीचे कुछ छोड़ दो, ठीक है, मतलब बीच में ही कुछ ले लो। अब लेना चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो हम अक्सर क्या होता है कि बीच वाला ही माना जाता है, ठीक है, इससे इजी रहता है क्वेश्चन। तो बस यही रीजन है कि बीच में हम लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो हम क्या ले रहे हैं, ए जो है वो हम 57 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू हमने 57 ली है, ठीक है, ए की वैल्यू हमने 57 ली है। डी हमारा कैसा निकलेगा, एक्स में से, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 51 है, 51 में से हम 57 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। 57 बड़ा है, इसके पास प्लस है, इसलिए हमारा क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, बचेगा ना माइनस का 6। ऐसे ही 57 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। 57 में से 57 को घटाएंगे 0 बचेगा। 60 में से 57 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। और यहाँ पे हम 57 में से 53 को घटाएंगे तो हमारा प्लस का 6 बचेगा। अब आपको बार बार घटाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल गया इनके बीच का अंतर 3 का है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -6 -3 -0 +3 +6, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बार बार घटाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है एफ ओ डी की। ये इधर 15 है, इधर 6 है, 15 छक्का होता है हमारा 90, ठीक है, माइनस का 90। और 110 की 3 से गुणा होगी, 11 3 33 होता है, 0 लगा दो, माइनस का 330 हो गया। इसमें 0 से गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा। 115 की 3 से गुणा होगी, 3 5 15, 1 हासिल, 3 1 3 हो गया 4, और 3 1 3, 6 से 25 की गुणा होगी तो हमारा कितना आएगा, 25 100, और 100 और 50 मतलब 150, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, ठीक है, तो घटाना भी हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, 0 और 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हुआ, 1 हासिल, तो ये हमारा हो जाएगा 4, माइनस का 420, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 4 9 और 3 1 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, 495 में से 420 को घटाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 495 में से 420 को हम घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गया तो बचा हमारा 7, 75 आ जाएगा। और ये बड़ा था इसलिए हमारा प्लस का 75 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 75 हमारा आ जाएगा, लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो भाई देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो इनको ऐड करते हैं भाई, 5 और 0, 5 5 5 10, 5 से 15, 5 20, 2 हमारा हासिल हुआ, 1 और 2 3, सॉरी, 1 1 2, 2 3 5, 5 1 कितना हुआ, 6 और 6 और 2 8, 8 और 2 हासिल हो गया 10, ठीक है, 10 हुआ, 1 हासिल हमारा, 1 1 2 और 2 1 3, 3 1 4, ये हमारा कितना हो गया, 400, ठीक है, कितना आ गया हमारा, 400 आ गया सिग्मा एफ, ठीक है। अब सारी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, थीके? तो भाई सारी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं माध्य वाला, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए की वैल्यू जो हमारी थी वो थी कहाँ गया, 57, ठीक है, ए की वैल्यू हम लिख देंगे 57, सिग्मा एफ डी जो है वो हमारा निकल के आया है 75, और सिग्मा एफ जो है वो हमारा 400 निकल के आया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई 400 ले लेते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसको काट लो तो ज्यादा इजी रहेगा, चाहे तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे बढ़िया हम इसको काट लेते हैं 5 से, ठीक है, 5 1 5 2 बचा 5 5 25, 5 8 40 और 0, ठीक है, 5 3 15 और 5 1 5 बचे हमारे 3, 5 6 30, ठीक है,
ये हमारे पास इतना आया, 3/16। अब 16 को हम भाग करते हैं किससे? 16 को हम अगर भाग करेंगे 3 से तो देखते हैं क्या आएगा। जाएगा नहीं, नादानी का 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा तो 16 दूनी 32, मतलब एक बार में जाएगा। 16 एकम 16, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचा 2 में से 1, 14 बचा, 0 लगाया। फिर 16 सत्ते, ठीक है, 16 सत्ते 16 ठे चला जाएगा, ठीक है, 128, ठीक है, 128। तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, 0, 16 सत्ते 112, यहाँ पे बच गया 8, ठीक है, 0 उतारा, 16 पंचे 80। तो ये हमारा 57+0.1875 आया है, ठीक है। जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 57.1875। आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है, 57.19। अगर दशमलव के बाद में जो हमारी संख्याएं होती हैं उसमें अगर 5 से ज्यादा अंक है तो उसको हम एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं, बाकी अंक छोड़ सकते हैं। तो हमने 8 को 9 बना दिया क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ा अंक था इसलिए, ठीक है। तो इसको हम एक्स बार भी बोलते हैं, माध्य को। तो एक्स बार की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकल के आ गई है, ये निकल के आ गई है 57.19। ये हो जाएगा हमारा फाइनल सर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। लगाना चाहो तो आप दोनों विधि में से कुछ किसी भी विधि से लगा सकते हो, सबसे ज्येष्ठ विधि जो है वो हमने आपको ये बताई। आप चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। तो उपयुक्त विधि लगानी है, कोई खास विधि ये बता नहीं रहे, अपनी मर्जी से ही हमें अपनी विधि लगानी है, डिपेंड करता है आप कौन सी विधि लगा रहे हो। फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दैनिक व्यय बताए गए हैं, 100 से 150, फिर 150 से 120, 200 कि 200 से, इसमें बिल्कुल सही दिया है, जहां पे खत्म हुए वहीं से ही शुरू कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जहां से खत्म हुए थे उसके अगले से शुरू कर रहे थे, इसलिए हमें 0.5 को माइनस करना पड़ा और ऐड करना पड़ा। अब यहाँ पे परिवारों की संख्या दी गई जो कि हमारी एफ होगी, इससे हमें क्या निकालना होगा, एक्स निकालना, ठीक है। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं मेथड यूज करने वाली हूँ वो सेकेंड वाला ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगता है, ठीक है। तो 100 से 150, फिर 150 से हमें चलना है 200, फिर 200 से चला है ये 250, फिर 250 से ये 300, फिर ये 300 से 350 चला है, ठीक है। आप यहाँ पे एफ की वैल्यू 4, 5, 12, 2, 2 ये वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलता है, हमने आपको बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। एक्स कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 22, ठीक है। अपर लिमिट हमारी 100 है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी 100 नहीं है, 150 है, ठीक है। इसको पहले लिख लो, उसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 150+100/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 250/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते, ठीक है, 125 आ गया है भाई। 100 अगर हम 25 25, जैसे कि यहाँ पे 50 50 का अंतर दिया है, ठीक है, 50 50 का अंतर है इनके बीच में, है कि नहीं, ठीक है। 50 का भी अगर आधा करते हैं तो 25 होता है। तो हम यहाँ पे देखो, ये हमारा 100 है और ये हमारा 150 है, ठीक है। हम अगर देखते हैं 25 का अंतर लिखें, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, 25 आया है ना। अगर आप 5 का भी अंतर ले रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा ही स्पेस भर जाएगा।
और फिर हमारा 150 है, 150 के बाद में हम 200 चले, ठीक है। इनके बीच में भी हम यहाँ पे क्या आएगा, 175 आएगा, ठीक है। फिर हमारा 25 का अंतर लेते हैं, तो मतलब एक ही इनके बीच में संख्या आ रही है जो 25 का अंतर लोगे, तो वही हमारे 125 यहाँ पे आ गई। तो सबको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके इनके बीच में हमारा आ जाएगा 175, 200 में अगर 25 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और 250 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा, 300 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 325 आ जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी हमारे एक्स जो है वो निकल के आ गए। अब हमें डी निकालना है, डी निकालने के लिए हमें ए चाहिए होता है, तो ए आप किसी को भी मान सकते हो, इसमें पांच चीजें हैं तो हम बीच वाले को ए मान ले रहे, ठीक है। ये ए जो है हमने 225 को मान लिया है, ठीक है। अब एक्स 125 में से 225 को घटाओगे तो हमारा क्या बचेगा, 125 बचेगा, बचेगा ना 125, ठीक है। और 225 में से 125 को घटाया, 125 बचा, 125 बचेगा, 100 बचेगा यार, 100 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का है, कैसे माइनस का है ये भी देख लो भाई। जैसे कि हमारा क्या था, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स जो है वो हमारा 125 है, ए जो है वो 225 है, ये बड़ा है इसलिए हमारा क्या बचेगा, माइनस का 100 बचेगा, ठीक है। ये माइनस का 100 बचा। अब 225 में से हमें 175 घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे बचा हमारा क्या, कुछ नहीं बचा, 50 बचा, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये हमारा बड़ा है। अब ये 225 में से 225 गया 0 बचेगा, अब 275 में से हमारा 225 जाएगा, तो हमारा सेम भाई हमारा 50-50 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी 50 और 100 देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अंतर हमारा सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा। अगर इधर 100-50 चल रहा है तो इधर भी 50-100 ही चलेगा, पर पॉजिटिव में चलेगा। चाहे तो आप घटा के देख लो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब हमें एफ और डी की गुणा करनी है, डी भी निकल आया, एफ भी गुणा आया, तो 100 और 4 की गुणा हमारी आ जाएगी माइनस का 400, 5 25 होता है तुम्हारा, माइनस का 250 आ जाएगा, 0 से गुणा होगी हमारा 0 आ जाएगा, फिर 2 से 50 की गुणा होगी तो 100 आ जाएगा प्लस का, 2 से 100 की गुणा हो जाएगी तो 200 आएगा। इनका जब अंतर मतलब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, वो भी माइनस का। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा प्लस का, और जब इनको आपस में घटाएंगे तो भाई हमारा सिग्मा एफ डी हो जाएगा। मतलब हमें टोटल का ऐड करना है, इजी करने के लिए ही हम इनको अलग कर रहे ले रहे, इनको अलग कर रहे। 650 में से 300 जाएगा तो हमारा 350 बचेगा, ठीक है, 350 बचेगा, वो भी हमारा कैसा, माइनस का बचेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ जो हमारा दिया गया है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब 4 5 हमारा 9 हुआ, ठीक है, 4 5 हमारा कितना हुआ, 9 हुआ, 9 में 12 जोड़ा तो हमारा 21 हुआ, 21 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 23 हुआ, 23 में 2 जोड़ा तो 25 हुआ, मतलब ये हमारा 25 निकल के आ रहा, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज जो है पता है, अब हमें निकालना क्या है, एक्स बार निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे रख देंगे, ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 225 ली थी, तो हम यहाँ पे 225 ले लेंगे, सिग्मा एफ टी तो हमारा माइनस में है, माइनस का 350, और सिग्मा एफ जो है 25 निकल के आया है, ठीक है। अब हम काट देंगे 25 को 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 7 35 और 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 20 माइनस का 14 आ जाएगा ये, ठीक है, 225 माइनस 14 हम इसको घटा देंगे, ठीक है, घट के हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्स बार ही चल रहा है, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये हमारा 2 है, 211 क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 211। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप सिग्मा एफ एक्स से करते तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती, ठीक है,
इसमें कैलकुलेशन है पर छोटी छोटी कैलकुलेशन है, पर उसमें कैलकुलेशन आपको लेंदी लेंदी करनी पड़ती है जिससे आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।